तरह से बग्स वाली कहानी भी है. आई डोंट नो इफ यू रियलाइज्ड, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल फॉर द टीचर्स, बिकॉज आई थिंक काफी टीचर्स को ये लगता है कि भाई ये जो आप लोगों को, आप में से कितने लोगों ने कोई एकेडमिक पेपर लिखा है. पेपर समझते हैं ना, वो जो पीएचडी वाले लोग छापते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेपर ही बोलते हैं, मतलब कॉलेज में प्रोफेसर लोग जो छापते हैं वो उसको पेपर बोल देते हैं कि ना. कितने लोगों ने आज तक पेपर कोई एक पेपर छापा है? हाथ उठाएं प्लीज, एक जय का हाथ उठाए. मैं भी अपना हाथ उठा देता हूँ. पिछले साल हमने एक पेपर छापा, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था, हमने ऐसे कुछ लिख दिया था. बट ज्यादा नहीं छापे, अपनी लाइफ में दो चार ही छापे होंगे. बट एनीवेज, कोई और, मैं दूसरी स्कीम पे जा रहा हूँ. नहीं, अच्छा, मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ, आई डोंट नो, और इसकी कहानी को पेपर से जोड़ने की कोशिश करूंगा. आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, पर मुझे थोड़ा सा ये याद है कि जब हम 1980s, 90s, इवन टिल 2000, आपको याद नहीं, जब भी आप कभी नाइट की, रात की बस बस में जाएं, है रात को, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से जाएं, बस में जाएं, तो उसकी स्क्रीन पर बहुत सारे मच्छर होते थे जो ड्राइवर को उतर के बीच बीच में साफ करने पड़ते थे. किसी को याद है ऐसा होता था? रात की बस में जब सफर करें तो सुबह तक या इवन विद इन द नाइट यू विल हैव टू गेट ऑफ एंड देन क्लीन द विंडस्क्रीन, बिकॉज बहुत कीड़े हैं, बहुत ज्यादा मच्छर हैं. आज आपकी तारीख में जाकर देखिए, आप 5 दिन तक चलाते रहिए, आपकी स्क्रीन पे कीड़ा नहीं आएगा. दिस हैज हैपेंड ओवर इन द लास्ट 15 इयर्स. सो दिस इज समथिंग दैट समबडी इन डेनमार्क नोटिस्ड, और हाई स्कूल टीचर था वो. 2017 में ही नोटिस किया, ऐसा क्यों होता है कि अब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अचानक वो ये मच्छर नहीं होते स्क्रीन पर. पहले मच्छर होते थे 15 साल पहले, क्या हो गया मच्छरों को, क्या हो गया? एंड देन ही रोट दिस, ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, दिस दैट वट एवर, ही फाउंड आउट कि उसके देश में क्या हुआ, उसके देश में जो हुआ बाकी दुनिया में भी हुआ है. और उसने एक पेपर लिखा, इंसेक्ट एपोकलिप्स एक पेपर लिखा. इट टर्न्ड आउट इन 2017 व्हेन ही रोट दैट पेपर, एंड ही इज अ हाई स्कूल टीचर आप लोगों के जैसे, हिज पेपर वॉज द मोस्ट पॉपुलर पेपर ऑफ दैट ईयर, और थर्ड मोस्ट पॉपुलर पेपर, जबकि वो सिर्फ हाई स्कूल का टीचर है और कैसी कोई बहुत विज्ञान की खोज नहीं कर दी उसने, सिर्फ इसी के ऊपर एक पेपर लिखा कि जो 10 साल 15 साल पहले जो हमारे कीड़े थे वो कहाँ चले गए, और जो जंगल हैं उनमें कीड़े कहाँ चले गए, या जंगलों में जो जो भी छोटे छोटे कीड़े, मक्खियां और लिजर्ड और ये सब होती थी कहाँ चली गई, और जहां भी ये गए ये ऑफकोर्स खत्म हो गए. बेसिकली 80% ऑफ आर इंसेक्ट्स हैव बीन फिनिश्ड, नॉट बिकॉज कि कुछ वो हुआ, बट हम लोग इतने एडवांस हो गए, हमने इतने कीटनाशक और फ्यूमिगेशन और पता नहीं क्या क्या अनसन चीजें डाली दुनिया में कि वो कीड़े खत्म हो गए. और उसके कारण बहुत भयावह स्थिति है. भयावह मतलब इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड प्रिकेरियस स्टेट दैट वी हैव लैंडेड आवर सेल्व्स इन, एंड दिस इज वन मोर फिल्म स्लैश बुक वी आर ट्राइंग टू मेक. चीन में मधुमक्खियां, जानते हैं मधुमक्खियां, सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं अगर इस धरती पे मधुमक्खियां ना रहें तो 3 महीने तक इंसान का जीवन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना खाना जो भारत में, दुनिया में पैदा होता है वो सारा, उसका आधे से ज्यादा श्रेय, इवन तो हम अपना श्रेय ले लेंगे और किसान अपना ले लेगा और यूरिया वाले अपना ले लेंगे, उसका बहुत बड़ा श्रेय मधुमक्खी को जाता है. तो चीन में कुछ लोगों, कुछ एक प्रांत है, नाम भूल गया वहां पर, और इसी आर्टिकल में लिखा है, एक प्रांत में उन्होंने इतनी दवाइयां डाली कि वहां पर मधुमक्खियां खत्म हो गई. तो एज अ रिजल्ट वहां पर जो फ्रूट थे वो पैदा होने बंद हो गए. तो उन्होंने फिर क्या करा बेचारे, क्या करते, एक सैक लेते थे, सैक मतलब एक छोटा सा थैला, उसमें पोलन डालते थे और ब्रश से लेकर हर फूल पे जा जाकर पोलन टपकाते थे ताकि जो है वो फल पैदा हो जाए. दैट एक्सरसाइज वॉज 100 times कॉस्टलियर, 100 times इन टर्म्स ऑफ जो लेबर को आपको पैसा देना पड़ेगा, एंड 10% प्रोडक्टिव, मतलब अगर 100 फूलों पे डाला तो एक निकलता था, और जबकि मधुमक्खी आपका वो काम फ्री में कर रही थी. एंड दैट इज वॉट वी हैव डन टू आर इंसेक्ट्स. इफ आर यू नो इंसेक्ट्स गो अवे देन मधुमक्खी विल ऑल्सो नॉट सर्वाइव. और हमें लगता है कि इंसान सबसे ऊंची चीज है, बट ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बाकी जो चीजें हैं ना, कीट, जिनको हम कीट बोलते हैं, जो बेकार की चीजें हैं, जिनको हम ऑल आउट जला देते हैं, मतलब मुझे कई बार इतना दुख होता है, अपने घर की बात बता रहा हूँ, हमारे पिताजी माताजी रोज ऑल आउट जला देते हैं. अच्छा, अगर किसी को लगता है कि ऑल आउट बहुत बढ़िया चीज है, कभी ऐसा करिएगा मत, नहीं पब्लिकली बोल रहा हूँ, बट देखिए उसके आंकड़े, पढ़िए क्या लिखा है. 0.1, प्लीज डू नॉट इवन ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ और नोज. 0.1% ऑफ दैट इज सम क्लोरो व्हाटएवर एंड विल कंप्लीटली किल यू बाय द वे, राइट? इट इज एक्सट्रीमली 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 पॉइजनस. येट हम लोग क्या करते हैं,
रोज उसको अपनी बत्ती में लगाकर उसको सूंघते हैं। हमारा विज्ञान और हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है, सोचना पड़ेगा। मच्छरदानी दी हुई है नहीं, लेकिन सी इट इज नॉट अबाउट आई एम ब्लेमिंग पीपल, आई एम अगेन सेइंग ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज दिस कन्वीनियंस फैक्टर। इट इज वेरी कन्वीनियंट टू पुट दैट बत्ती इन और चला दिया और मच्छर भग गए। ये नहीं सोचा कि जो उसके फ्यूम्स कीट को मार सकते हैं, और हमें पता है उसमें लिखा है, लेबल पर लिखा है कि वेरी हार्मफुल, डेंजरस और पता नहीं क्या क्या साइन बनाया है, येट वी विल सूंघ दैट, वी विल स्मेल दैट ओडर फॉर द होल नाइट, रात भर सूंघते रहेंगे।